प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे अब सब लोग आए, लेकिन माधवी भाभी कहाँ है? आज वो नहीं आई। ये माधवी भाभी अभी तक सब्जी लेने नहीं आई बाबा, सूट है यू? हाँ, अरे माधवी भाभी सब्जी लेने इसलिए नहीं आई क्योंकि उनके वहाँ आज कंप्यूटर आ रहा है, इसलिए उसके स्वागत में माधवी भाभी बिजी है। बराबर है। आज शाम को हम लोग उनके घर में पूजा में भी जाना है ना? हाँ, पूजा में खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं कोमल भाभी, हम सब लोग कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर जाएंगे। बबीता जी, आप क्या देंगे? मैं मिष्टी दही दूंगी। वाओ, गुड। मैं तो सोचती हूँ मच्छी के शेप की मावे वाली बर्फी दूँ। हाँ, उनको पसंद है। अब मैं सोचती हूँ कि एक सीडी बॉक्स दूँ। क्वाइट यूजफुल है। दया भाभी, आप क्या दे रही हैं? हाँ, मैं तो बूढ़े बहन को नौ वाली साड़ी दूंगी। ओहो, अरे अंजलि बबी, आप क्या देंगे? अरे बाबा, हम सब लोग कुछ न कुछ जरूर देंगे, पहले उनके घर में कंप्यूटर आने तो दीजिए। अच्छा, ऐसा करना है? ऐसा करते हैं। हम लोग हमेशा कुछ न कुछ प्लान करते और फिर जाके कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। अरे हाँ बबीता, एकदम साची वाची। इसीलिए वेट टिल द कंप्यूटर कम्स। यस, ठीक है, तो कंप्यूटर की पधरोमड़ी हो जाएगी, फिर हम कुछ प्लानिंग करेंगे। क्या कहते हैं? दे दे मुझे। आज हमारे घर में कंप्यूटर आ रहा है। वाह! और आज शाम को बाबा ने पूजा भी रखी है। पूजा मतलब नाश्ता तो हो गया ना? हाँ, और तुम सबको पूजा में आना है। पहले ये तो बता, नाश्ते में क्या है? अरे गोली, पहले सोनू को कांग्रेस से बोल। अरे हाँ, कांग्रेस। थैंक यू। कांग्रेस। थैंक यू। थैंक यू। अब भी बोल, नाश्ते में क्या है? क्या गोली तू भी? ओए सोनू, मैं तेरे कंप्यूटर में ना गेम खेलूंगा। गोगी, पापा मुझे खेलने देंगे कि नहीं वो भी नहीं पता। हाँ, फिर भीड़े अंकल नई सूचनाओं की लिस्ट देंगे। डोंट वरी फ्रेंड्स, एक बार सोनू के घर पे कंप्यूटर तो आने दो, फिर भीड़े अंकल को मैं पटा लूंगा। अरे बाप रे, माधवी। ए माधवी, काय झालं? कशाला ओरडताय? अरे ये देखो, आज की राशी में क्या लिखा है मेरे, शनि बुध युती आपला पिच्छा पुरवित आहे। पंचमात राहू आणि दशमात मंगळ असल्या कारणाने दुपारी 12 वाजेपर्यंतचा काळ हा अनिष्ट काळ आहे। अरे बाप रे, कुठलेही महत्त्वाचे निर्णय अथवा खरेदी करणे टाळावे। 12 वाजल्यानंतर ग्रहांची स्थिती बदलणार असल्याने पुढचा काळ हा लाभदायक आहे। इसका मतलब अगर 12 बजे से पहले कंप्यूटर घर में आ गया तो मुहूर्त अच्छा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। तो अभी क्या टाइम हुआ है? 11:35। अब क्या करें? आप लोकेश भाई को फोन करके बोल दीजिए ना कि अभी कंप्यूटर लेके ना आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तेरे भाई लोकेश, अरे ये मिल गया। अरे माधवी, फोन मेला है। वायर कुठे जोडलीये? अरे देवा, तू पण लावा लवकर। हा हा हा, जिवंत झाला। नॉट रिचेबल आ रहा है माधवी। लग जा लग जा, वापस नॉट रिचेबल है। अरे देवा, एक काम करता हूँ, जेठालाल को ही फोन करता हूँ। हाँ हाँ।
हेलो जेठालाल भिड़े बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो भिड़े, मिल गई कंप्यूटर की डिलीवरी? अरे भाई कंप्यूटर की डिलीवरी नहीं चाहिए। ले क्यों, फिर से कोई सस्ता माल खरीद रहा है? सस्ता नहीं ले रहा हूँ जेठालाल, नहीं चाहिए मतलब 12 बजे से पहले डिलीवरी नहीं चाहिए। क्यों? वो मेरे आज के राशि के हिसाब से अगर मैं 12 बजे से पहले कोई भी नई चीज खरीदता हूँ तो मुझे नुकसान हो जाएगा। अरे भाई तो उसमें क्या है, वो लोकेश भाई को फोन करके बता दे, वो 12 बजे के बाद भेजेगा। अरे भाई उसका फोन नहीं लग रहा है इसलिए तुमको फोन किया मैंने, तुम उसको दुकान में फोन करके बोल दो प्लीज। हाँ तो ठीक है, मैं बोल देता हूँ उसको। ठीक है, हाँ थैंक यू। हाय ग, अरे भिड़े भाई का कंप्यूटर आ गया। अरे हम लोग क्या बात करते हैं भिड़े भाई, मम्मी को बता दे। ओ भिड़े भाई आपका कंप्यूटर आ गया है। हां तो माफी माफी जल्दी जल्दी आओ नी। ओ भिड़े भाई सुन रहे हैं अब? हला लोकेश भाई एक मिनट, कंप्यूटर को हाथ मत लगाना। क्यों? मैं नीचे आकर बताता हूँ। ठीक है। अरे क्या हुआ, कंप्यूटर घर आ रहा है, भिड़े भाई ना क्यों कह रहे हैं? और क्या, देखा कहा था ना मैंने, हम जब भी कुछ प्लानिंग करते ना जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। नहीं नहीं कैसे नहीं। हाँ बबीता तूने बराबर कहा था। अरे माधवी भाभी हुआ क्या? हाँ वो क्या है कि राशि के हिसाब से इनके नक्षत्रों में गड़बड़ है तो अभी कंप्यूटर अंदर नहीं ले सकते है। क्या हुआ भिड़े भाई? अरे वो लोकेश भाई मुहूर्त अच्छा नहीं है तो 12 बजे से पहले हम लोग कंप्यूटर घर पे नहीं लेके जा सकते। अच्छा ठीक है। बाजले का भरा है भाई महंगे। बोला गणपति बाप्पा। अच्छा बीच में कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं कुछ दिख नहीं रहा मुझे। नमस्ते। हाँ यहाँ यहाँ रखते जरा थोड़ा। हाँ मैं पकड़ रहा, रखिए। माधवी कुछ लाओ ना मुंह मीठा कराने के लिए। हाँ हाँ अभी लेके आ। अगर मेरे काजला का अय्या चालीस दिस तो है। अच्छा है ना? परफेक्ट जगह भी लिया है। हाँ बिल्कुल, टेबल भी कितना जच रहा है ना एकदम। हाँ वो लोकेश भाई। हाँ ये लीजिए मुंह मीठा कीजिए। आराम से आराम से। हाँ ओहो कैसा है ना? वाह एकदम मस्त है कि नहीं? भिड़े भाई आपका कंप्यूटर का कनेक्शन हो गया। थैंक यू वेरी मच लोकेश भाई। चलो हेलो टप्पू के पापा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो क्या हुआ? वो भिड़े भाई के घर पर कंप्यूटर आने वाला था ना, अभी तक नहीं आया। और मैंने वो लोकेश भाई को फोन किया तो उन्होंने बताया कि कब का निकल चुका है। नहीं नहीं आ गया। तो क्या है, 12 बजे के पहले कोई अच्छा मुहूर्त नहीं था इसलिए भिड़े भाई कंप्यूटर को लेके 12 बजे तक कंपाउंड में ही खड़े रहे। फिर 12 बजे के बाद
जैसे ही सुमुरत की शुरुआत हुई, मेरे भाई कंप्यूटर को बच्चे की तरह गोद में उठाकर घर पर चला गया। अच्छा, और कुछ? और कुछ माँ? हाँ, बीबी भाई के घर पर कंप्यूटर आया है ना, उस खुशी में उन्होंने अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की महापूजा रखी है, तो आप घर पर जल्दी आ जाना। आ जाऊंगा, और कुछ? लगता आपको कुछ कुछ हो गया है, इसीलिए कब से और कुछ और कुछ और कुछ कह रहे हैं। तो फोन रख, फोन रख। पवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मरेत कुंडलीकाक्ष स्वायव्यंतर सुचि कुंडलीकाक्ष उपनातु कुंडलीकाक्ष उपनातु आचम्य ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः हस्तौ प्रक्षालनम् गोविंदाय नमः। फूल लेकर हाथ में भगवान का ध्यान करो। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः भूथा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः बृहदस्वामरुतः प्रश्निमातरः शुभं यावानो विदधे सुजग्मयः अग्निर्जिह्वामनवः सूर्यचक्षसो विशो नो देवायवसागमन्नि भद्रं कर्णे विष्णुयां। बेटा लाल, बस एक बात तो कहनी पड़ेगी, एक कंप्यूटर लिया मेरे ने, उसमें क्या शानदार सजावट पूजा है भाई। यही तो खासियत है हम भारतीयों की, छोटे छोटे प्रसंग भी एकदम हर्ष उल्लास से मनाते हैं। क्या बात है जेठालाल, आज मेरी भाषा बोल रहे हो। आपका करंट लग गया। दूर बैठो, थोड़ा दूर बैठो। वैसे एक बात तो यार, अगर भेड़े जब कार लेगा तब तो पूरी सोसाइटी सजा देगा। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ सोसाइटी नहीं भाई, आजू बाजू के दो तीन सोसाइटी सजाएगा। नहीं नहीं, अच्छा, बहुत खुश है देखो एकदम। इसी के साथ पूजा संपन्न हुई, अब आप सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। चलो चलो आओ। गणपति बाप्पा, श्री सत्यनारायण देव की जय। आप तो पंडित जी अभी कंप्यूटर शुरू करें क्या? नहीं मतलब, हमने ये पूजा अभी कंप्यूटर लिया ना, इसके लिए रखी थी, तो अभी पूजा तो संपन्न हो गई, तो कंप्यूटर चालू करें। आपका कंप्यूटर, आपकी मर्जी। पंडित जी को कोई लेना देना नहीं है, चालू करो। मस्त है पंडित जी। चलो भाई चलो, कंप्यूटर चालू करते, चलो। टेबल कुर्सी अच्छा लिया मेरे। हाँ एकदम। अभी मैं हमारे सोसाइटी के सबसे बुजुर्ग आदरणीय चाचा जी से विनती करूंगा कि वे अपने शुभ हस्तों से कंप्यूटर को शुरू करें। क्या कर रहे हो चाचा जी? वो नया बाबूजी कंप्यूटर। क्यों बिल्ली मास्टर, डर गया? मुझे? अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मजाक मत कीजिए। अभी एक काम कीजिए, आप वो कंप्यूटर के ऊपर ऐसे तीन बार उतारिए और मेरे हाथ में दीजिए, मैं बाद में फोड़ दूंगा। दादाजी अब आप सीपीयू का बटन ऑन कीजिए। कौन सा? अरे वो वाला है ना, बड़ा वाला। ये मशीन, ये एक मिनट, पकड़ रहा हूँ। किया, चालू किया, किया ना। ओ, 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 अभी आएगा। लाइक ना तो शुरू डाला। अभी शुरू होगा। स्टार्ट ही नहीं हो रहा भाई, चालू क्यों नहीं हो रहा?
अरे अरे दादाजी मारो बापूजी नया कंप्यूटर है तबला नहीं हां दादाजी अब और एक बार बटन दबाइए फिर से हाँ चाचा जी बापू जरा बराबर बताओ बापू जी को शायद दिखा नहीं होगा कौन सा वो ऊपर क्या छोटा भी है ना तो शायद बापू जी ने और दबा दिया होगा बड़ा वाला हाँ अभी हो गया अभी चालू होगा देखो दोस्तों कल्पना कीजिए शादी का मुहूर्त बिल्कुल नजदीक हो बराती बिल्कुल तैयार हो दूल्हा बिल्कुल सज धज के एकदम स्मार्ट लग रहा हो सारी तैयारियां हो चुकी हो ऐसे में घोड़ी भिदक जाए इनकार कर दे दूल्हे को बिठाने के लिए फिर क्या होने वाला है ऐसी स्थिति आ गई है हमारे शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े के घर कितनी मोहब्बत से कितने प्यार से कितना सोच समझ के कंप्यूटर खरीदा और कंप्यूटर है कि चलने को तैयार नहीं ऐसे में तो सपनों पे पानी फिर ही जाता है अब बड़ी मुश्किल है साहब इधर भिड़े के घर कंप्यूटर चलने को तैयार नहीं है भिड़े करेंगे क्या क्योंकि कंप्यूटर आया है मेरे मित्र जेठालाल की वजह से क्योंकि उन्होंने डील कराई है अब कहीं ऐसा ना हो जिनकी वजह से कंप्यूटर आया है मुसीबत उनके सर पे लग जाए क्योंकि भिड़े और जेठालाल की जन्मपत्नियां तो आप जानते हैं गुण मिल ही नहीं सकते और जब ऐसी स्थिति आ गई है तो हंगामा शोर है अब कंप्यूटर नहीं चलेगा लेकिन एक चीज जरूर चलेगी हंसी मस्ती और ठहाके तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़